नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास पेशकश अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज बुधवार को 4 विधेयकों को मंजूरी मिली है सदन में। तो कल सुबह 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो सदन में मुख्य जानकारी आपको दे रहे हैं कि जहां पर सदन में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है, तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही भी जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को आज 4 विधेयक पास किए गए हैं, जिनमें IMS यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, DIT विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवा कर विधेयक और आखिर में बात उत्तराखंड विनियोग विधेयक जो है वो। ये जो 4 विधेयक है हमने आपको नाम बताए ये पास किए गए हैं। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है कल सुबह 11 बजे तक। और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, आपसे जानकारी चाहूंगी कि ये जो 4 विधेयक पास हुए हैं इनको मंजूरी मिली है, तो किन मायनों में इनको खास माना जाए, अहम माना जाए? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के विधानसभा सत्र का तीसरा दिन और जो सत्र था वो काफी हंगामेदार रहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज 4 विधायकों को सदन के पटल पर रखा गया और उन्हें पास कर दिया गया। इसमें से 3 संशोधित विधेयक थे। खासतौर से अगर बात की जाए IMS यूनिसन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया और उसे पास किया गया। इसके साथ ही DIT विश्वविद्यालय का संशोधित विधायक था, इसको भी सदन पर रखकर पास किया गया। वही अगर बात की जाए तीसरे विधेयक की तो वो था उत्तराखंड माल और सेवा कर, इसके भी संशोधित विधायक था, इसको भी आज सदन के पटल पे रखा गया और पास किया। वही अगर आखिरी विधेयक की बात की जाए तो वो था उत्तराखंड वियोजन 2021-22 का अनुपूरक बजट, जो कि कल सदन के पटल पे रखा गया था, जिसपे आज चर्चा की गई और चर्चा के बाद सर्वसहमति से उत्तराखंड का जो बजट था वो पास कर दिया गया। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज जो अनुपूरक बजट था उसे सदन के भीतर सर्वसहमति से पास कर दिया गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है आज का जो बजट सत्र का तीसरा दिन था वो काफी हंगामेदार रहा, लेकिन सदन खत्म होने के साथ ही 4 विधायकों को भी सदन के अंदर मंजूरी दे दी गई। जी सुभाष, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो 4 विधेयक हैं ये संशोधित किए गए हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? ये पहले से ही विधेयक बने हुए हैं लेकिन अब ये संशोधित कर इनको पारित किया गया है, इनको मंजूरी दी गई है? जी बिल्कुल, 3 जो विधेयक थे इनको संशोधन के लिए सदन में रखा गया था, क्योंकि विधेयक पहले ही सदन में रख दिए गए थे, लेकिन संशोधन के लिए जब विधेयक लाए जाते हैं तो उनको सदन पे रखा जाता है और उसके बाद उस पर सहमति सदन के जो तमाम विधायक हैं वो देते हैं और सर्वसहमति से उन्हें पास किया जाता है। तो वही अगर बात की जाए IMS DIT और उत्तराखंड माल कर सेवा का जो विधायक था ये पहले से ही रखा गया था सदन से और आज सर्वसहमति से इन 3 संशोधित विधायकों को पास किया गया। और जो चौथा जो विधायक था वो अनुपूरक बजट था उत्तराखंड का 2021-22 का, जो कि कल सदन के पटल पे रखा गया था और आज उस पर चर्चा करने के बाद उसे सर्वसहमति से पास कर दिया गया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की जो कार्यवाही है वो भी स्थगित कर दी गई है। सदन में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है, उन्हें पारित किया जा चुका है। तो काफी हंगामेदार ये आज का सत्र, आज सदन का जो दिन है तीसरा दिन वो काफी हंगामेदार रहा और इसी बीच सदन में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद मेजर दुर्गामल्ल के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद दुर्गामल्ल पार्क, गढ़ी कैंट और गांधी पार्क स्थित शहीद दुर्गामल्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वीर शहीद दुर्गामल्ल का बलिदान हम सभी को प्रेरणा देता है। जीवन तो सब लोग जीते हैं लेकिन दुनिया सदियों तक केवल उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष और बलिदान किया। अमर शहीद दुर्गामल्ल
ऐसे ही व्यक्तित्व के थे। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी शहीदों के संघर्ष और बलिदान के बारे में सब कुछ जाने। शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित किए जाने चाहिए और साथ ही युवाओं को इनमें प्रतिभागिता करने के लिए प्रेरित भी किया जाना चाहिए। तो वीर शहीद दुर्गामल्ल का बलिदान सबके लिए प्रेरणादायक है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना। और इस दौरान उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी लोगों से यही बात की, सभी लोगों को यही समझाया कि उनका बलिदान जो है वो भुलाया नहीं जा सकता। हर युवा को, हर नागरिक को उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद करती है जो देश के लिए काम आते हैं, देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। देखिए, उन्होंने जो शहादत दी आज़ाद हिंद फौज में काम किया, निश्चित रूप से वो हमारे हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मरण का स्मरण में रहेंगे, उसकी स्मृति में रहेंगे। और हम निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रयास करेंगे, जिन्होंने भी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और हम उनको आज इस अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आज आयोजकों से ये अनुरोध भी किया है कि इस आयोजन को बहुत बड़े रूप में करवाया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनका स्मरण करें और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर देश के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा उनके मन में पैदा हो। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल के विनर पवनदीप राजन को कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा करती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पवनदीप राजन ने सामान्य परिस्थितियों से बाहर निकलकर, उनसे उठकर अपने प्रतिभा से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम बखूबी रोशन किया है। वे राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं और प्रदेश के कला, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने पवनदीप राजन के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं की। बता दें कि बुधवार को पवनदीप राजन ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट भी की और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे। तो पवनदीप राजन को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। पवनदीप राजन जो हमारा छोटा भाई है, उत्तराखंड का बेटा है और बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक सीमांत क्षेत्र से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर इतना हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है उसने। और एक होनहार प्रतिभा है, मैं उनको कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा। और चमोली में नव नियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहली बार कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर भव्य स्वागत किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम में भी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर के प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए, न कि किसी पैराशूट प्रत्याशी को। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर में दर्शन कर मां उमा शंकरी का आशीर्वाद भी लिया और दर्शन भी किए। कर्णप्रयाग पेट्रोल पंप से मुख्य बाजार होते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिमली रोड तक जुलूस निकाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में शीर्ष नेताओं के सहयोग से 2022 चुनावों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो कर्णप्रयाग पहुंचे गणेश गोदियाल, जहां पर उन्होंने जुलूस निकालकर वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने मां सिरसा देवी के भी दर्शन किए, वहां पर उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर भव्य तरीके से गणेश गोदियाल का स्वागत किया और इस बार उन्होंने कहा कि चुनाव वही जीतेंगे, विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं वो वही जीतेंगे और उनमें उनकी जीत जो है वो पक्की है। कार्यकाल का जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम उत्तराखंड में बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं। लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपको पहले सरकारें मिली, मैं कहना चाहता हूं, बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि 10 साल की कांग्रेस की सरकारों में हमने जो आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत ढांचा निर्माण करना था उत्तराखंड में, उसका काम किया और अब हमें बेरोजगारी पर प्रहार करना है। हमारा अगला कार्यकाल रोजगार के लिए समर्पित होगा।
और पहाड़ों में पिछले 30 घंटों से रुक रुक कर सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के उच्च हिमालयी ओली गौरसों में जमकर बारिश हो रही है, जिससे कि जोशीमठ में ठंडक दस्तक देने लगी है। वहीं निचले इलाकों में नगर क्षेत्र जोशीमठ समेत धौली गंगा घाटी और साथ ही बद्रीनाथ धाम और कल्प घाटी उर्गम भी झमाझम बारिश के साथ कोहरे की सफेद चादर ओढ़े हुए है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से सीमांत की सभी प्रमुख नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। तो नगर पालिका की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई, जहां पर नालियों के चौक होने से जगह जगह पर गंदा पानी जमा हो गया और लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां दावे करती है नगर पालिका कि हमने कितना विकास किया, हम लोगों की समाधान निकालते हैं उनकी परेशानियों का, लेकिन यहाँ पर जब बारिश होती है तो पूरी की पूरी जो पोल है वो खुलकर सामने आ जाती है। हाल इस वक्त आप सड़कों का देख सकते हैं किस तरीके से कीचड़ है और पानी भरा हुआ है, जहाँ पर साफ तौर पर लोगों को आने जाने में जाहिर तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और ये तस्वीरें जहाँ पर सफ़ेद चादर, कोहरे की सफ़ेद चादर से ये ढक गया है पूरा इलाका, और ये देखिए किस तरीके से तस्वीरों में जो बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं स्कूल ड्रेस में हैं, तो उनको परेशानियों के बाद ये रास्ता पार करने को मिल रहा है, यानी कि रास्ता पार करने के लिए इतने ज़्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो नगर पालिका की खोखले वादे पूरे सामने आ रहे हैं और खोखले उनके जो वो जो वादे करते हैं नगर पालिका और प्रशासन, उनकी खोखले वादे जो हैं वो सामने आ रही हैं। पोल खुल गई है तो ये जो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, भले ही कितने वादे कर लिए जाए, कितनी ही बातें कर ली जाए कि हमने प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास किया, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है उत्तराखंड में हाईकोर्ट की तरफ से पहले जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते हाईकोर्ट की तरफ से राज्य के प्रमुख वन संरक्षण राजीव भरतरी और डीएफओ नैनीताल बिजुलाल टीआर को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। वहीं 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल राजभवन निवासी महेंद्र सिंह का घिडग्याल की तरफ से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर ये कहा गया कि उच्च न्यायालय ने 1 साल पहले विभाग को आदेश दिया था कि कर्मचारियों की सभी सेवाओं को जोड़कर उन्हें सेवानिवृत्त के सारे लाभ और पेंशन दिए जाएं, लेकिन वन विभाग ने अभी तक ना तो रिटायरमेंट के सारे लाभ दिए हैं और ना ही पेंशन जारी किया है, और साथ ही विभाग ने उच्च न्यायालय की तरफ से पारित आदेश का पालन भी नहीं किया गया, तो लिहाजा उनकी तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने राज्य के प्रमुख वन संरक्षण समेत नैनीताल वन विभाग प्रभाग के डीएफओ को अवमानना का नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। तो 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अब ये सख्त रुख अपनाया है हाईकोर्ट ने, जहां पर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया और इसी से नाराज हाईकोर्ट ने अपना ये सख्त फैसला सुनाते हुए 4 हफ्ते के भीतर भीतर जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। तो नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट की बात ना मानने पर, उनका आदेश ना मानने पर हाईकोर्ट सख्ती से अपना रुख अपनाते हुए अब हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब मांगा है। नैनीताल में मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं मिली हुई धनराशि को तय समय में इस्तेमाल करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेजने के भी साफ निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि अगली किस्त मिल सके। इसी के साथ ही साथ मंडल आयुक्त ने नैनीताल में चिन्हित किए गए 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन में मुक्तेश्वर क्षेत्र को नया पर्यटन डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए के एम
वीएन की तरफ से 13 कार्यक्षेत्र चिन्हित किए गए और जिनकी 3,50,00,000 की धनराशि शासन की तरफ से स्वीकृत कर दी गई है। तो 3,50,00,000 की धनराशि शासन की तरफ से स्वीकृत कर दी गई है। तो मंडल आयुक्त ने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं। अब अगली खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर युवक ने पिंडीर नदी में छलांग लगाई है और सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस और एसटीआरएफ की टीम। तो बुधवार सुबह करीब 11 बजे एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। बताया गया कि युवक का मानसिक संतुलन काफी लंबे समय से ठीक नहीं है, जिस कारण युवक के परिजन इलाज के लिए उसे देहरादून अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर थानाध्यक्ष ध्वजवीर पवार के मुताबिक युवक के परिजनों ने ये बताया कि जब वो उसे लेकर थराली से देहरादून जा रहे थे, तब युवक ने चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे तैसे परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और वापस थराली लेकर आ गए। लेकिन फिर जब परिजन युवक को लेकर एक बार फिर से देहरादून अस्पताल ले जा रहे थे, तब मानसिक रूप से पीड़ित युवक दौड़ पड़ा और पास की पिंडरी नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं दूसरी तरफ रुईसाण सोल ग्रुप गुडरी के रहने वाले 78 साल के बुजुर्ग के लापता होने का मामला भी सामने आया। लापता बुजुर्ग के बेटे ने पुलिस में ये बताया कि उनके पिता 23 अगस्त को घर से निकले थे, लेकिन 24 अगस्त की रात तक घर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद लापता बुजुर्ग के बेटे ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। युवक ने यह भी साथ साथ बताया कि पिंडरी नदी के किनारे उनके लापता पिता की जैकेट और जूते बरामद किए गए हैं, जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति के नदी में बह जाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले कि दोनों घटनाओं से पुलिस और एसटीआरएफ की टीम पिंडरी नदी में सर्च ऑपरेशन चलाकर दोनों लापता लोगों की खोजबीन कर रही है। पवन चौहान को हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां अब तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश नेतृत्व की सारी सूची में लालकुआ के वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान को हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी नियुक्त होने पर लालकुआ में आयोजित प्रेस वार्ता में पवन चौहान ने केंद्रीय और प्रदेश बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार भी बताया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की नीतियों और रीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं, साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को भी बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे ये बताया कि हल्द्वानी के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, कोई प्रत्याशी बीजेपी को टक्कर देने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव भी बताया, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस कहीं पर खड़ी ही नहीं है बीजेपी के आगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले पवन चौहान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद का निर्वहन भी कर चुके हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। जी, बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, दुनिया का सबसे संगठन, मजबूत संगठन और एक दूसरे का मान सम्मान करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीत रही है। लोग आ रहे हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कोई कह रहा हम 400 यूनिट फ्री कर देंगे। लोग उनकी असलियत को जान गए हैं। इस देश में किस तरह का शासन होना चाहिए, प्रदेश में किस तरह का शासन होना चाहिए, जनता एक एक चीज़ को पहचान चुकी है।
आज भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा परिवार है। इस्तीफे भी होंगे तो आपस में नाराजगी एक दूसरे के परिवार, बड़े परिवार में होती है, वो सब ठीक हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, वहाँ हल्द्वानी में तो हमारे मेयर साहब ने और अन्य हमारे सरकार ने, शासन ने बहुत काम किए हैं और करने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी में हो रही लगातार बारिश के चलते मैदानी क्षेत्र में लोगों का जीवन अब अस्त व्यस्त होने लगा है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां जहां उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नदी के पार रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस नदी के पार रहने वाले लोग अपनी दिनचर्या का सामान लेने के लिए नदी को पार करके लालकुआ पहुंचते हैं, फिर सामान लेकर अपने घरों को लौट आते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि नदी के पार करीब एक दर्जन गांव बसे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक इन लोगों के लिए किसी भी तरीके का कोई पुल का निर्माण नहीं किया गया है। कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई, लेकिन इन लोगों को अपने हाल पर छोड़कर चली गई हैं। तो आज जोखिम, जान जोखिम में डालकर लोग इस नदी को पार करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने यहां शेरवुड कॉलेज और अमुलतस पब्लिक स्कूल क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी यहां सीधे आम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुमका और मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने इन क्षेत्रों का भ्रमण किया, निरीक्षण किया और आम जनता के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा और उत्तराखंड राज्य नव निर्माण के नारे को साकार करने की बात भी कही। इस दौरान इस मौके पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुमका और नगर अध्यक्ष शाकिर अली ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड राज्य नव निर्माण नारे को लेकर समूचे उत्तराखंड में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही जनता को उत्तराखंड राज्य नव निर्माण नारे के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि इन बीते 20 सालों में दोनों राष्ट्रीय दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड में शासन कर उत्तराखंड राज्य को अंदर से खोखला कर रख दिया है, क्योंकि जिस अवधारणा को लेकर इस राज्य का गठन किया गया था उसकी मूल अवधारणा को इन दोनों ही पार्टियों ने, या फिर यूं कहें कि इन दोनों ही दलों ने अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण बिल्कुल खत्म कर दिया है। ২০২২ के विधानसभा चुनाव का रंग छात्र राजनीति में भी अब दिखाई देने लगा है। खटीमा महाविद्यालय में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्रों को विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने महाविद्यालय पहुंचकर अपना अपना समर्थन भी दिया। वहीं अब सितारगंज नगर पालिका के चेयरमैन हरीश दुबे ने भी खटीमा महाविद्यालय पहुंचकर छात्रों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम और खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को जल्द से जल्द इन छात्रों के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ छात्र नेता का ये कहना है कि उनकी महाविद्यालय प्रशासन से 5 मांगे हैं, जिनमें महाविद्यालय में एडमिशन के लिए सभी छात्रों को एडमिशन दिया जाए, एमए में इकोनॉमिक्स और एजुकेशन विषय की पढ़ाई शुरू की जाए, साथ ही साथ स्नातक के प्रथम वर्ष के छात्रों को COVID-19 यानी कोरोना के कारण दूसरे वर्ष के लिए प्रमोट कर दिया जाए। तो अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर ये छात्र बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अब इन्हें राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग मिलना शुरू हो गया है। तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर ये छात्र बैठे हैं, जहां पर राजनीतिक दलों का और राजनीतिक पार्टियां इनके बीच में पहुंचकर इनका समर्थन करती नजर आ रही हैं। 5 इनकी मांगे हैं, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये अब जो हैं वो अनशन पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके मांगे हैं कि इनके उन 5 सूत्रीय मांगों को मान लिया जाए। जब महाविद्यालय उन 5 मांगों को मान लेगा तो ये अपना धरना है, जो प्रदर्शन है, उसे खत्म कर देंगे। तो आमरण अनशन पर ये छात्र बैठे हैं, जिनको अब कई विपक्षी दल और कई जो सरकारें हैं उनके छोटे छोटे जो दल हैं उनका समर्थन मिलना शुरू हो गया है। वहां पर जो पार्टियां हैं वो पहुंचकर उनका समर्थन कर रही हैं।
और इसी के साथ अपना उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।